أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله ثم الحمد لله ये अल्लाह ताला का फलौला फजलुल्लाह व रहमतुहु ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का फजल और करम है और उसकी रहमत है जिसकी बिना पर हम एक दूसरे से जुड़कर अल्लाह की तरफ दौड़े हैं, अल्लाह की नेकियां कमाने में, अल्लाह को राजी करने में। अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आयत नंबर 67 से पढ़ेंगे, इंशाल्लाह 63। उससे पहले मैं थोड़ा सा जिक्र पहले का करते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ। यहाँ तक हमने जो पढ़ा, जो अब तक गुजरा है, उसमें अहम चीज जो हमारे जहनों में तरोताजा रहनी चाहिए वो ये है कि एक चीज थी नकाल, दूसरी थी मौइज़ा। एक मिनट, जी। तो इसका हमने मतलब ये इस तरह समझा के इन कुरानी वाकयात से दो चीज देखने वाले दो चीजें अक्स करते हैं। एक तो अवामुन्नास यानी आम लोग जो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं वो किसी भी वाकये या हादसे से सिर्फ इबरत हासिल करते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए। लेकिन जो लोग मुत्तकी होते हैं वो नसीहत पकड़ते हैं और ये वाकयात उनके अमल को बहुत दूर तक बदल देती है, यानी उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनके दिलों में सबसे बढ़कर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की पहचान होती है और जिनके दिल भी नरम होते हैं। मुत्तकी की कई सिफात बयान की गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और गैर मुत्तकी को कुरान पढ़ना और ऐसे वाकयात से कोई सबक हासिल नहीं होता, वो कुछ भी नहीं सीखता और ना उनकी जिंदगी में कोई तब्दीली आती है। एक ही वाकया गुजरता है मगर एक शख्स एक नजर से देख रहा होता है और दूसरा शख्स दूसरी नजर से देखता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब इंसानों को पैदा किया और उनको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया सिर्फ और सिर्फ अकल के साथ साथ इख्तियार की वजह से। हमको अकल के साथ साथ इख्तियार भी दिया है, अगर इख्तियार ना होता तो मामला कब का ही फाइनल हो चुका होता, मगर अल्लाह ने हमें अकल दी फिर इख्तियार भी दिया कि दो रास्तों में से तुम अपने लिए जो रास्ता चाहो इख्तियार कर लो। क्योंकि किसी भी चीज में नजर का ही फर्क होता है, बल्कि दिल से नजर से फर्क नहीं बल्कि दिल से फर्क किया जाता है, और तख्वा भी दिल का अमल है। हमने सुना तख्वा असल दिल का अमल है, दिल में जब डर पैदा होता है तो इंसान बुराइयों से बचता है। और जैसा कि हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल की तरफ इशारा करके बताया कि अत्तख्वा हाहुना, सीने की तरफ उंगली करके इशारा फरमाया और कहा अत्तख्वा हाहुना अत्तख्वा हाहुना, यानी तख्वा कहाँ होता है, दिल में। देखकर हम कौन सी भी चीज को नहीं समझते जब तक हमारी अकल उसमें दखल ना दे। तो अगर इन कुरानी वाकयात से हमारे दिल ना लर्जे, लर्जना माने कांप उठना, ना बदले, तो हम सबको अपने आप की फिक्र करनी चाहिए और अपने आमाल को दुरुस्त करने की भी फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, शैतानी वसवसों से बचाए और हम सबको
जो जो भी हमारे इस बयान को हमारे साथ है सुन रहे हैं उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ एक और वाकया बयान हो रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने यहाँ तक पढ़ा था, तख्वा हो गया लिल मुत्तकीन। अब देखिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यामुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। वाव और इज, जब खाला कहा, जब जब भी इज आता है मैं क्या बोली वहां पे, उज़्कुरू महज़ूफ है, छुपा हुआ है, यानी याद करो उस वक्त को। कौन याद करे? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी थे वो भी याद करे और हम भी याद करें उन वाकयात को। जब कहा खाला कहा मूसा, मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम से, इन्नल्लाह यामुरुकुम, बेशक इन्ना बेशक तहकीक के यकीनन, इन तीनों मानों में भी इस्तेमाल होता है ये इन्ना, अल्लाह अल्लाह यामुरुकुम तुम्हें हुक्म देता है, तज़बहू के तुम ज़बह करो, बकरा एक गाय को। क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, उन्होंने कहा, किन्ने किन्होंने, बनी इसराइल ने कहा, अतत्तखिज़ुना क्या, आ माने क्या, सवालिया जुमलिया, आ क्या, तत्तखिज़ुना तू बनाता है हमें, क्या तुम हमें बनाते हो, हुज़ुआ मजाक, यानी क्या तुम हमसे मजाक करते हो। क़ाला कहा किसने, मूसा अलैहि सलाम ने, अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ कि मैं हो जाऊं, अन के अकूना हो जाऊं, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से। यानी यहाँ पे पहले एक बात सुन लीजिए, बनी इसराइल में एक शख्स का कत्ल हो जाता तो मख्तूल का पता नहीं चल रहा था कि किसने मारा और क्यों मारा, तो उन उस तो एक दूसरे कबीलों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि तो वो तो जाहिल थे ना, हठ धर्म तकबर पसंद, ये कबीले वाले ने किया बोल के वो बोलने लगे, वो बोलने लगे इस कबीले वाले ने किया। तो ये मसला हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आया, तो उनसे कहा गया कि आप पता करें कैसा हुआ। तो मूसा अलैहि सलाम ने जब अल्लाह से गुफ्तगू की तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि तुम एक गाय को ज़बह कराओ, तो मालूम हो जाएगा किसने मारा। तो आप लोगों को याद होगा हमने सामिरी के, जब मूसा अलैहि सलाम फिरौन से जब भाग के आया था कोहेतूर पर, जब मूसा अलैहि सलाम गए थे तौरात लेने के लिए, तो सामिरी एक शख्स था जिसने इजल को क्या किया था, माबूद बना दिया था, जिसकी इबादत की जाने लगी थी मूसा अलैहि सलाम के बाद। वो इजल ही गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं, बल्कि हमने तफसीर की थी वहां पर। तो वही गाय की मोहब्बत जो आजकल भी बहुत की जाती है, बहुत से मुशरिक कौमों में गाय की पूजा की जाती थी। तो अल्लाह ताला को दरअसल क्या मकसूद था यहाँ पर, बनी इसराइल जो फिरौन के साथ रहकर गाय की मोहब्बत में मुब्तला हो गए थे, तो उनके दिलों से इस मोहब्बत को निकाले, उनकी पूजा से उनको दूर रखे, जो कि आजकल भी हम देखते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत बड़ा मसला बना दिया जाता है ना, बहुत से कानून निकल आते हैं तभी उसके बाद सब खामोश, अल्लाह की पनाह। तो जब भी उनके दिलों में गाय की मोहब्बत थी तो अल्लाह को उनके दिलों से वो मोहब्बत निकालना था दरअसल, इसीलिए जब बनी इसराइल से कहा गया कि तुम गाय ज़बह करो तो ये इनको बहुत ही नागवार गुजरा, क्या है ये, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ गया और बहुत ही बेरुखी और तकबरी अंदाज में मूसा अलैहि सलाम से कहा कि आप मजाक कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह के पैगंबर किसी क्या कभी भी अल्लाह की बातों में मजाक नहीं करते।
अतत्तखिदुना हुजुआ कहा, क्या आप हमारे से मजाक उड़ा रहे हैं? हालांकि कोई भी अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की बातों में कभी भी मजाक नहीं करते थे, और खासकर तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी हंसते बोलते नहीं थे। हंसना मजाक करना अलग मसला है जिसमें सच्चाई भी होती थी, मगर खासकर जब अल्लाह के अहकाम सुनाने होते थे तो कभी भी मजाक का जरिया नहीं लेते थे। तो फौरन ही मूसा अलैहि सलाम ने कितना प्यारा जुमला दिया, देखिए कितने सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए बगैर झगड़े के ये जवाब दिया, आऊज बिल्लाह या नकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ इस जाहिलाना काम से, यानी मजाक उड़ाने से, अल्लाह के बारे में अल्लाह का नाम लेकर तुमसे मैं कोई बात कहूँ, इस का ऐसा काम मेरे से होना नामुमकिन है। बल्कि इस आयत से हमें क्या क्या पता चला, इतनी अहम बात मालूम हुई कि अल्लाह का कोई भी हुक्म हो उसकी ताजीम करना हम सब पर बेहद जरूरी है। और ताजीम क्या है? ताजीम करना यानी इसको अच्छे कुरान को महंगे से महंगे गिलाफ में सजा कर अपने अलमारी पे या बड़े ऊंचे ताबदान में रख देना है क्या? उसको आंखों से लगाना, चूमना वगैरह है क्या इसकी ताजीम? नहीं, हरगिज नहीं। जैसा कि एक शायर ने कहा भी ना, ताखों में सजाया जाता हूँ, हाथों में उठाया जाता हूँ, खस्मों की नौबत आती है वगैरह वगैरह, वो सही से याद नहीं है मुझे। तो वो कुरान का शिकवा बल्कि नजम बनाए कि उसमें कुरान अपने बारे में बता रहा है कि मेरा इस्तेमाल कब हो रहा है, किसी की मैयत पर, जिंदा लोगों पर ये नाजिल हुई मगर मरे बाद इसके पढ़ पढ़ के उसको बख्शाया जाता है। जिंदा रहे तक पढ़ने का हुक्म है मगर मरने के बाद इसे पढ़ते हैं। अक्सर तो बहुत देखा गया है जब मैयत घर में होती है बहुत से लोग पारे लेके बैठ जाते पढ़ने, ये बिल्कुल गैर अमल है, गैर सुन्नत अमल है ये। अल्लाह के रसूल ने ना सहाबा ने किसी ने नहीं किया ऐसा। मुर्दों के लिए नहीं है ये कुरान बल्कि जिंदों के लिए है। अल्लाह पूछ रहा है फहल में मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला इससे? क्या मुर्दे नसीहत हासिल करते हैं? नहीं, बल्कि जिंदा लोगों के लिए है ये, हिदायत है, इससे हमें पढ़कर अपने आप को बदलना है, ना कि ताखों में सजाना है खसमे खाने के लिए वगैरह वगैरह। अल्लाह हमारी बचाए इस इन तमाम अमाल से। फिर और क्या कह, ताजीम क्या है इसमें असल? बल्कि इसकी ताजीम ये है कि इसकी आयात को बार बार पढ़ी जाए, इसको संजीदगी से सुना जाए, हंसी मजाक करके नहीं बल्कि इस पर गौर व फिक्र किया जाए, अपने आप को टटोला जाए कि जब भी कोई बात कही जा रही है क्या इसके बारे इसमें मेरा कोई अमल दखल है, मेरे लिए इसमें क्या नसीहत है, इस बात पर गौर किया जाए, इस आयत में मेरे लिए क्या हुक्म है, कहां ही मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल तो गलत वो तो नहीं कर रही वगैरह। फिर इस पर अमल करके दूसरों तक पहुंचाना इसकी ताजीम है, इससे मोहब्बत का दावा है। और ये भी पता चलता है कि गैर मौजूद जगह पर कुरान की आयात को कोट करना या इसकी खस्में खाना या वगैरह गलत इस्तेमाल करना, हंसी मजाक में इसकी आयात को पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल नामुनासिब है बल्कि गलत है। और इसके अपने दिल चाहे मतलब निकालना भी बहुत गलत बात है। तो अब हाँ, आगे हम पढ़ेंगे कि बनी इसराइल ने इनके इस बात का क्या क्या हिले बहाने बनाए, क्या क्या उनसे हुज्जत की। आगे देखिए, औज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون। क्या कह रहे हैं? उन लोगों ने कहा, उन्होंने कहा यानी जमा का सिगा है, किन्ने? बनी इसराइल ने कहा, उदउ लना, आप दुआ करें, लना हमारे लिए, रब्बक आपके रब से, अपने अपने रब से दुआ करिए मूसा अलैहिस्सलाम,
के युबय्यिन लना, युबय्यिन वाजह करे अल्लाह, बतलाए अल्लाह लना हमें, क्या माहिया कि वो क्या है, कैसी होनी चाहिए, वो कौन सी गाय है। खाला इन्नहु, तो मूसा अलैहि सलाम ने अपने रब से पूछा तो जवाब आया इन्नहु, बेशक वो क्या, अल्लाह ने कहा बेशक वो यकुल कहते हैं, इन्नहा बेशक वो गाय ऐसी होनी चाहिए, ना बूढ़ी हो और ना ही छोटी उम्र की हो, फारिजुन बिल्कुल बूढ़ी कमजोर, लातवा वाला बिक्रुन और ना ही छोटी उम्र की, बिल्कुल पैदा हुए सो बच्चा वैसा भी ना हो, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, अवानुन यानी जवान हो, दरमियानी उम्र की हो, बैना दालिका बूढ़ी और बच्ची के दरमियान की उम्र हो। फफ अलू मात उमरून, बस तुम कर गुजरो जो हुक्म दिया जा रहा है, माँ जो तुमरून हुक्म दिया जाता है, तुम्हें जो हुक्म दिया जाता है उसे कर गुजरो। उन्होंने कहा अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बतलाए वो कैसी है। उसने कहा बेशक वो फरमाता है, किसने, ये खौला पहला वाला मूसा अलैहि सलाम, यखुलू यानी अल्लाह फरमाता है वो गाय ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की हो, बल्कि दरमियानी जवान है, जवान हो, बस तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है उन्हें उसे कर गुजरो। इस बात, इस आयत में हमें क्या पता चलता है कि उन्होंने अब हुज्जतबाजी शुरू कर दी, क्या हिले बहाने बनाने लगे कि टालने के लिए, करने के लिए नहीं पूछ रहे थे, उनके दिल में क्या था ये मसले को यहीं पे खत्म कर दे। देखिए कितना बेगैर माकूल और गलत रवैया उन्होंने अख्तियार किया, बेरुखी से पूछ रहे। आज अब तक भी उन्होंने हमारा रब नहीं कहा, उदू लना रब्बा का बोल रहे हैं, कौन बनी इसराइल, आपका रब ही है वो, अभी अभी दिल से अल्लाह को उन्होंने अपना रब तस्लीम नहीं किया। देखिए कितनी बेरुखी है, तकबर है उनके जुमलों में, अल्लाह ने वही जुमले यहाँ पर जिक्र कर दिए। वो कह रहे हैं अपने रब से दुआ करो वो हमें अच्छी तरह वाजे कर दे कि गाय किस तरह की होनी चाहिए, क्या है मकसद, टालना, मगर अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर है, कुछ और ही उनसे कराना था, उनसे बेजार नहीं हुए, बल्कि उनके हर हर सवाल पर मूसा अलैहि सलाम को जवाब देते गए कि इस तरह करो, इस तरह करो, बल्कि और मूसा अलैहि सलाम भी बड़े ही सब्र तहम्मुल से बार बार उनके सवालात को अल्लाह से दुआ पूछते गए और उनके जवाब जवाबात लाते गए। और इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं बार बार कबूल करता भी था, हर बार जब पूछते थे फौरन तौर पर ही जवाब आ जाता था। और इसमें एक लास्ट जुमला क्या है, देखिए कौन सी, पहले तो बोल दिया ना बिल्कुल पैदा हुए सब गाय हो ना बूढ़ी हो, बल्कि दरमियानी उम्र की अच्छी सी गाय हो, और आखिरी में क्या है, फफअलू मा तुमरून, इसके माने क्या बोली मैं, फफअलू बस तुम कर गुजरो मा तुमरून जो तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है मेरी बहनों, बल्कि ये क़यामत तक के आने वालों के लिए है कि बस तुम करो जो हुक्म मिला है, उसमें अपनी तरफ से हुज्जतबाजी नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, हिला बहाना नहीं, बल्कि सिर्फ समियाना व अतौना। हमें क्या कहना चाहिए, समियाना व अतौना, हमने सुना और हमने इताअत की, यानी किसी भी हुक्म में, किसी भी हुक्म में जो मकसद है उस पर हमें हमेशा नजर रखना चाहिए और उसको कर डालना है, वो काम जो अल्लाह की तरफ से हमें मिल रहा है, क्योंकि नेकी के बारे में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कुरान हमें दूसरी जगह क्या फरमाता है, बोलो, सारिउ इला मग़फिरतिन इलल्लाह, और एक जगह है फ़फिर्रू इलल्लाह, जो नाज़रा पढ़ते रहते हैं उनको ये आयत याद आ रही होंगी, क्या माने है इसके, सारिउ इला मग़फिरतिन इलल्लाह, तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो अल्लाह की बख्शिश की तरफ,
यानी अल्लाह कब हमें मौत आएगी हमें पता नहीं ना मेरी बहनों, मौत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है। इसलिए वो मौत का लम्हा, वो घड़ी आने से पहले हमें जल्दी करनी चाहिए अल्लाह की बख्शिश की तरफ। मग़फिरा माने हमारे गुनाहों की माफी, जानबूझकर ही ना अनजाने में होने वाले हर हर गुनाह, बड़े गुनाह तो तौबा कर लेनी चाहिए जब भी हमें पता चल जाए कि हमसे कुछ गुनाह सरजद हुए हैं या माजी में हमसे कोई शिर्क और बिदआत हुई है। जैसे ही हमें अकल और तौहीद आ गई फौरी दुआ कर लेनी चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। और एक फफिरु इलल्लाह के माने बस तुम दौड़ो, बोल रहे अल्लाह ताला क्या बोल रहे, चलो नहीं बल्कि दौड़ो अल्लाह की तरफ, क्योंकि ये दुनिया फानी है, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो भी वक्त और मौका हमें मिलता है उसे गनीमत जानकर अपने आमाल को दुरुस्त कर लेना है। क्योंकि एक मरतबा एक बात कहना चाहती हूँ, आप लोग गौर करें, जब भी हम किसी मैयत को देखते हैं उसको अपने हम अपनी जगह रखकर देखें, वो मैयत की जगह हम अपने आप को रखकर देखें, जब वो भी मैयत होती है ना वो अल्लाह के पास जाके क्या दुआ करती मालूम, अल्लाह मुझे कुछ लम्हे दे दीजिए मैं जाके सिर्फ और सिर्फ नेकी का काम करके आऊंगी, बल्कि अल्लाह से ख्वाहिश जाहिर करती, इल्तिजा करती, गुजारिश करती। मगर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये एक बात है, सूरह मोमिनून में आएगा इंशाल्लाह, ये हम आपको जब तफसील बताएंगे तो उसमें ये एक बात है, सिर्फ वो अपने मुंह से कहेगा जो मैयत है, मगर अल्लाह क्या हमें एक लम्हे की भी मोहलत देगा, जब चाहे हम अपना सर पीट ले या चाहे हमारे पूरी दुनिया फिदिये में दे दे, हमें जब मौका नहीं मिलेगा। तो जब हमें मोहलत है, मौका है, सहूलत है, अकल है, तभी हमें बदलने की फिक्र करनी चाहिए ना, तभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, दुनियावी मामलात में नहीं। अगर हमें एक दूसरे से आगे बढ़ना ही है तो मुकाबला करना ही है, तो इन चीजों में जल्दी करनी चाहिए, इन चीजों में मुकाबलाबाजी करनी चाहिए कि एक दूसरे से बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात माननी चाहिए, ना कि हुज्जतबाजी करके हीला बहाना बनाकर अल्लाह के हुकाम की नाफरमानी करे। आगे आता है वो, अगर इंशाल्लाह ना कहते बनी इसराइल, आगे है इंशाल्लाह ना कहते तो क़यामत तक वो गाय को सुबह ना कर पाते। उन्होंने देख लिया कि अल्लाह ये हुक्म नहीं टालने वाला है, इसलिए उन्होंने दो चार सवाल करके आखिरकार गाय को जुबाह कर दिया, वरना अल्लाह का अजाब आ जाता। जिस तरह कोहे तूर पे वादा लिया बोले थे ना, पहाड़ को उनके सरों पर लाकर अभी तुम वादा करो वरना ये पहाड़ तुम पर गिरा दूंगा बोलके, इसलिए उनको अंदाजा था कि अगर वो नाफरमानी करेंगे तो फौरन अल्लाह का अजाब आ जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ अजाबात से वो गुजर चुके ना उनके पुराने लोग, टिड्डियों का अजाब आया, बंदर बना दिए गए, मेंढक बना दिए गए, खून का अजाब आया, बहुत मुख्तलिफ अजाबात आए, तो वो उनके जहनों में था इसलिए वो आखिरकार जुबाह कर दिए। तो हमें भी इंशाल्लाह अल्लाह नेक हिदायत दे, हम सबको नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाला बना दे, आमीन सुमा में। अब आगे देखिए इसके बाद फिर क्या सवाल कर रहे हैं वो, फिर उन्होंने कहा आप दुआ कीजिए हमारे लिए आपके रब से। कालू उन्होंने कहा उदू दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का आपके रब से, युबय्यिन लना वाजे कर दे अल्लाह, बता दे हमें अल्लाह, मालूम उसका रंग कैसा हो। खाला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, कह दीजिए बेशक अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय हो जो जर्द रंग की हो, यानी चमकीली पीले रंग की हो, फाखियुल लौनुहा जिसका रंग गहरा हो, तसुर्रुन नाजिरीन
जो अच्छी लगती हो देखने वालों को। क्या कहा अल्लाह ने? उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें कि वो अपने रब से हमें बतलाए उसका रंग कैसा हो। तो अल्लाह ने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो एक गाय ऐसी जर्द रंग की हो जिसका रंग खूब गहरा गहरा देखने वालों को अच्छा लगता हो। देखिए इस आयत में हमें क्या मालूम हो रहा है, उन्होंने फिर एक बहाना बनाया कि रंग भी बताओ बोले अल्लाह ताला को, वो गाय जो जुबाह करनी है। देखिए वही फिर से हुज्जतबाजी, वही हीला बहाना। तो इन आयतों से हमें ये बात वाजे हो रही है कि अल्लाह की राह में हमें अच्छी से अच्छी और खूबसूरत तरीन चीजें कुर्बान करनी चाहिए, ना कि बेकार खराब होने वाली सड़ी गली बेफायदा चीजें। कपड़े भी दे तो आगे वाला पहनना है, वो फेंकने के लिए नहीं, हम पूरा पहन के घस दे के खत्म हो गए। बात किसी को देना वो सवाब नहीं है, आपको सवाब तभी मिलेगा जिससे वो आगे वाला फायदा उठा सके। जैसे हदीसों में आते हैं ना कि हम अल्लाह की राह में जो दिए वो बाकी रहने वाला है, जो हम खाए वो खत्म होने वाला है। हजरत आयशा से कहा ना एक मरतबा एक गाय बकरा जुबा होके वहां अल्लाह के रसूल बांटने लगते, तो एक गोश्त का हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए हजरत आयशा छुपा कर रखती। तो जब बाद में आके अल्लाह के रसूल पूछते क्या हुआ आयशा, सब मुकम्मल हो गया क्या तकसीम, बोले तो हाँ अल्लाह के रसूल सब बांट दिया, सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा है बोलते आपके लिए, एक ही चीज बाकी है। बोलते नहीं, जो तुमने बांट दिया वो सब बाकी रह गया सवाब के एतबार से, जो तुमने नहीं बांट कर छुपा कर रखा है वो बाकी है। अब बोलते वो सवाब नहीं देता, वो हमारे पेटों में जाकर हम हजम कर जाते, मगर जो तुमने बांटा वो अल्लाह के पास बाकी रहने वाला है, ये बाकी रहने वाला नहीं है। हम क्या करते, जो हम नहीं खाते सालन देना ही है तो हम पके सो सालन में से थोड़ा शेरवा पैदा कर दो बोले अल्लाह के रसूल, तुम्हारे पड़ोस में देना हो या किसी साहिल को देना हो तो अपने सालन में से दे दो, बाद में तुम खाए बाद बचोगे तो बचा तो देना। देखिए नीयत बदल गई वहां पर, हमारी नीयतों को दुरुस्त कब करना है, जब हम पका उसमें से पहले निकाल के रख दिया आप दूसरा बाजू, शायद कोई साहिल को दे दे या पड़ोसी को दे दे या किसी को दे दे, तो आपकी नीयत वहां पर कबूल हो गई समझो। नहीं बच गया सो सालन, बच गया सो खाना देंगे, जो हम नहीं खा सकते तो ये वो हदीस के मुनाफी हो जाएगा। तुम्हें मुकम्मल ईमान वाला वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए पसंद करे। ये छोटी छोटी बातों से ही हमारा ईमान मुकम्मल होता है मेरी बहनों, अल्लाह हमें इन तमाम पर गौर करने वाला बनाए। और एक बात वाजे हो रही है इसमें कि हमारे दीन में बहुत ज्यादा सवाल करने से मना किया गया है। देख रहे हैं ना, बेजा सवाल कर रहे हैं ये सब लोग। अगर पहले ही बता देते कि सुबह करो बोल तो एक गाय सुबह कर दिए तो हो जाता था, मगर अब अल्लाह ताला उनको भी उसमें गहराई में लेके जा रहे हैं। अब दोनों आप तो अल्लाह जैसा बोल रहा, वो गाय की एज इट इज वैसी गाय सुबह करो, ढूंढ के फिर गहराई में जाना चाह रहे, जाओ गहराई में जाके एक एक हुक्म अपने ऊपर लाजिम कर लेते जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है कुरान में, दूसरी जगह आता है ए ईमान वालों मत पूछो उन चीजों के बारे में अगर वो तुम पर जाहिर हो जाए तो तुम्हें बुरी लगे। अरे ये भी करना है, अल्लाह के रसूल एक मरतबा उनके सामने एक साहबी सवाल करने लगते एक के बाद एक, तो अल्लाह के रसूल को गुस्सा आ जाता, फिर कहते कि तुम ज्यादा सवाल से बचो, अगर मैं हाँ कर देता तो वो चीज तुम पर। हज के बारे में क्या अल्लाह के रसूल हज हमें हर साल फर्ज है क्या, कुछ ऐसी एक के बाद एक सवाल करते हुए एक आदमी ने कहा तो अल्लाह के रसूल जरा जब्त कर लेते अपने आप को, खामोश बैठ जाते। अगर वो कहते हाँ हर साल फर्ज है बोल तो ला महाला फिर हर पैसे वाले को हर साल जाना ही पड़ता, मगर अल्लाह के रसूल ने उम्मत की सहूलत के लिए खामोशी अख्तियार की, कहा कि नहीं इस्तेदात होने पर एक मरतबा फर्ज है, अगर ज्यादा है तो आप बार बार जाइए, अल्लाह ने आपको सहूलत दी आपको दौलत दी तो आप जरूर खर्च करिए। अगर वो फर्ज के दायरे में आ गई तो कंपलसरी हो जाती, जिस तरह तहज्जुद भी हमारे लिए इसलिए माफ हुई ना, अगर अल्लाह के रसूल तीन मरतबा पढ़ाकर चौथी मरतबा क्यों रुक गए, तो जमात से क्यों नहीं पढ़ाई, कहीं अल्लाह फर्ज ना हो जाए ये नमाज भी तुम पर
और तुम फर्ज हो के बाद नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। तो इसलिए ज्यादा सवाल करने से हमारे दीन ने हमें मना किया। और एक जगह फरमाता है, हजरत अली रजी अल्लाह अनु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। मैं फिर से बोल रही हूँ, मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही। इस्लाम की अच्छाई ये है कि किसी भी आदमी के इस्लाम, यानी आदमी का इस्लाम यानी उसका दीन, उसका तरीका, जो भी उन्हें इस्लाम पे अमल कर रहा है, तो इस्लाम एक आदमी के इस्लाम की अच्छाई में से ये बात है कि तरकुहु माला यानी कि वो छोड़ दे उन बातों को जिसका कोई फायदा नहीं। बेमकसद बेफायदा बातें, गॉसिप्स करना हमारे इस्लाम में मना है, जिससे एक के बाद एक गुनाह बढ़ते जाता। पहले तो झूठ आ जाता, फिर गीबत आ जाती, फिर चुगली आ जाती, फिर फला फला फला। इसलिए बेकार बातों से बचना है। अब फायदे में कौन रहे? जो कम बात करने वाले। अल्लाह हमें भी वक्त पे सही बात करने वाला और कम बात करने वाला बनाए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही खामोश हो जाए, जरूरत पे बात करें, मगर बेजा सवाल करने से अपने आप को रोकें, क्योंकि ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। तो ये फाल किया जाए, यानी इसने कहा, उसने कहा, क्या उन्होंने बोले, इन्होंने बोले, इसमें झूठ भी आ जाता, तोहमत भी आ जाती, गईबत भी आ जाती, बोहतान भी आ जाता, सुनी सुनाई बातें फैलाने से। ताकि हम ये क्यों करते मालूम, असल मकसद क्या है ये खील खाल करने का? खील खाल माने इसने कहा उसने कहा, अरबी में खीला व खाला बोलते इसको। क्या मतलब इसका? अमल से बच जाना, ऐसे हुज्जतें निकाल के अमल करने से बच जाना। उनो बोले उनो करे नहीं, क्या हम कहीं गुनाह करना? अरे उनकी खबर का जवाब, उनके अमाल का जवाब वो देंगे ना। आपको जितना इल्म हुआ है उतना आप तो अमल करें, आपके अमाल के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा ना। इसका मतलब सवाल बिल्कुल भी ना करें नहीं, बल्कि अच्छा सवाल करें जो इंसान के अमल की तरफ ले जाए, इंसान को अमल की तरफ ले जाए। गैर जरूरी सवाल करने का अमल, गैर जरूरी सवाल इंसान को अमल से दूर करता है। और अल्लाह ने जितनी मालूमात हमें देनी चाहिए थी उतनी हमें दे दी, इससे बढ़कर हमारे लिए जरूरी नहीं है। इंसान को भी गलत काम जरूरी नहीं है हमें, ठीक है? फिर आगे देखिए, इन्ना माहिया इन्नल बकरा तशाबह अलैना व इन्ना इंशा अल्लाह लमुहतदून। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, आगे फिर एक सवाल। आप कह दीजिए, आप दुआ कीजिए आपके रब से कि वो हमें जाहिर कर दे कि जाहिर कर दे हमारे लिए कि वो कैसी हो। पालू उन्होंने कहा, उदू लना आप दुआ करें लना हमारे लिए रब्बा का आपके रब से, युबई लना वो वाजे कर दे हमारे लिए, माँ हिया वो कैसी हो। बेशक इन्ना तहकीक के अलबकरा गाय तशाबहा मुश्तबा हो गई है, शक में पड़ गए हैं हम उस पर। वह इन्ना और तहकीक के हम इंशा अल्लाह लमुहतदून, अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पा लेंगे। और मेरी बहनों इंशाल्लाह जो इसमें दिख रहा है ना, ऐसा इंशाल्लाह लिखना चाहिए और बोलना भी चाहिए। अगर हम अलीफ और नून और शीन को एक जगह ही लिख लें तो वो उसके माने बदल जाते हैं, इंशाल्लाह नहीं रहता वो, बल्कि अल्लाह क्यों बनाया बन जाता वो। इंशा माने कुछ बनाना, नई चीज बनाना, तो इंशाल्लाह इस तरह बोलना चाहिए, ठीक है? लिखना है तो भी इस तरह लिखना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने, फिर से सवाल किया, उन्होंने कहा हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि वो कैसी है, क्योंकि गाय हम पर इश्तबा हो गई है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर हिदायत पालेंगे इसके बाद। यानी फिर से पूछो कैसी रहना, बिल्कुल क्लियर कट बोल दो आखिरी बार बोल के। तो फिर कहा औला इन्नहु यकूलु, बेशक उन्होंने कहा इन्नहा के वो बकरतुन ऐसी गाय हो, ला दलूलुन ना खेती बाड़ी की जाए उसके जरिए से, सुधी हुई यानी
क्या बोलते हैं, हम किसी इंसान गायों को ऐसा बनाते ना कि वो उससे काम लिया जाता है, उससे ट्रेन करते, वैसी ट्रेंड ना हो तुसीरुल अज़रा, यानी जो जमीन को जोतती ना हो, वाला तस्खिल हर्स, और ना ही उससे पानी खेती बाड़ी की जाती हो, यानी खेती को पानी दिया जाता हो, मुसल्लमतुन बेऐब हो, मुसल्लमा बेऐब हो, ला शियता फीहा नहीं, ना ला नहीं शियता कोई दाग हो फीहा उसमें, कालुल आना जीता बिल हक, तो उन्होंने कहा अब अलान माने अब जेता तुम लाए हो बिल हक, ठीक बात आखिरी, फजबहूहा पमा कादू या फालून, बस उन्होंने उसको जुबा कर दिया, और वो खरीब था कि वो उसको ना ही करते, वो ऐसा लग रहा था कि वो जुबा करने वाले ना थे, मगर अल्लाह ने उनकी हर हर सवाल का, हर हर इश्काल का जवाब देते हुए उनको लामहला जुबह करने पर आमादा कर दिया उनके दिलों से। वो एक बात है इसमें कि वो क्यों टाल मटोल कर रहे थे मालूम, उन लोग गाय को अपना खुदा मानते थे ना, तो अगर ये जुबह कर देंगे तो कहीं कोई आफत ना आ जाए हम पर, अल्लाह वो गाय हमसे नाराज होके हमें खत्म ना कर दे, ये शक था लोगों को, मगर इस गाय को जिबा करने से अल्लाह ने क्या किया, बल्कि उसका एक गोश्त के टुकड़े को लेकर वो मकतूल के जिस्म पे मारा गया, जिससे वो जिंदा हो गया, और वो जिंदा होकर अपने खातिल का नाम बताकर फिर से मर गया। तो जो खतलो गारतगिरी होने वाली थी वो रुक गई। 1 मिनट बहनों, अजा हो रही है, मेरे को आवाज, थोड़ी देर रुक जाते हैं, 2 मिनट। कल तो नहीं रुको 1 मिनट।
मैम अरे बाप रे, मैं म्यूट नहीं खोली, पूरा पढ़ाना शुरू कर दी। क्या दिमाग है मेरा, अल्लाह अकबर। हम आवाज समझे, आ रही शायद है? आप नहीं, कॉल पर है, समझे हम। मैं कहाँ तक चले गई मालूम, आगे तक चले गई। अल्लाह अकबर, ये छी ला हा ला हुवता इल्ला बिल्ला। आप लोग बोल देना ना, इतनी देर तो अजान नहीं होती। देखिए, मैं आयत नंबर यहाँ तक आ गई मालूम, आयत ही लाल लगुम दाखिलून तक आ गई, रुकू खत्म हो गए बाद भी। जाने दीजिए, चलिए अल्लाह हमारी मदद सॉरी फरमाए। मैम, चल ज्यादा इंशाल्लाह, आप लोग आपका प्लीज म्यूट साथ म्यूट माइक रहिए। ऑन नहीं हुआ तो इस वजह जी से जी कंफ्यूज हो मैं गया। ऑन नहीं करी, मतलब माइक बंद करके अजान का जवाब दे रहे थे ना, तो ऑन नहीं कर सकी, भूल गई मैं। यहाँ पढ़ना शुरू कर दी मैं भी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, अल्लाह हू अकबर। चलिए, आप सुने आ रही है ना आवाज? जी जी चलिए मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रही थी कि ये हम आगे की दो तीन आयतें भी पढ़ लेंगे, जिससे पूरा वाकया इस गाय का हमें मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे जी साथ जी बने रहिए जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हम यहाँ तक पढ़े थे, फदबहूहा वमा कादू यफालून। उसके बाद वइद कतलतुम नफ्सा फदारातुम फीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून। और जब तुमने कत्ल किया नफ्स एक आदमी को, फद्दारा तुम, पस तुम फिर झगड़ा करने लगे, एक दूसरे से झगड़ा करना। फद्दारा तुम फीहा, उस मामले में जो कत्ल हुआ ना, उसके खातिल के मामले में, कौन कत्ल किया बोलकर। वल्लाहु, और अल्लाह, मुखरिजुन, जाहिर करने वाला है, निकालने वाला है, यानी जो कुछ तुम छुपाते हो। मा कुंतुम, जो कुछ तुम तक्तुमून छुपाते हो, उसको अल्लाह निकालने वाला है। असल में ये वाकया शुरू हुआ यहाँ से, वइस खदलतुम नफ्सन फदारातुम फीहा, ये झगड़ा होने से ये उसका सलूशन निकाले ना, कि एक गाय को मारना है। मगर अल्लाह की क्या हिकमत है, इसमें पहले सलूशन आया, बाद में वो सवाल आ रहा है। तो ये बता रहे इसमें कि ये वाकया हुआ था, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको एक गाय जुबा करने के लिए कहा था, फिर उसका एक गाय का गोश्त लेकर इस खातिल जो कत्ल हुआ था उसके ऊपर मारने का हुक्म मिला, जिससे वो जिंदा होकर अपने खातिल मकतूल अपने खातिल का सॉरी नाम लेकर फिर से वो मर गया। तो ये वाकया हुआ था। तो फखुलना ज़रिबूहू, फिर हमने कहा, फखुलना, फिर हमने कहा इज़रिबूहू, उसको मारो, उसका एक हिस्सा लेकर उस पर मारो, खातिल पर मारो, नहीं, वो मक्तूल पर मारो, जो मर गया ना, उस पर मारो। कजालिका, इसी तरह, युही, जिंदा करेगा, युही, जिंदा करना, अल्लाह अल्लाह जिंदा करेगा, अलमौता, मुर्दे को, व युरीकुम, और वो तुम्हें दिखाएगा, आयाती ही, उसकी निशानियां, लअल्लकुम दाखिलून, ताकि शायद के तुम अकल हासिल करो, गौर व फिक्र करो। ठीक है, यहां तक हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 73, ये सुम्मा खसद से हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ तक हमें इस वाकया मुकम्मल हो जाता। तो यहाँ पर बोलना ये था मेरी बहनों, के जब एक बनी इसराइल का एक शख्स मारा गया ना, तो उसकी मौत का पता नहीं चल रहा था किसने मारा। तो अल्लाह ने क्या किया, ये पूरा प्रोसीजर करे जो ऊपर पढ़ते हुए आए हम। फिर जब मर वो जुबा हो गई गाय, तो उसका एक गोश का हिस्सा लेकर उसके मकतूल को मारा गया, जिससे वो जिंदा होकर अपने खातिल का नाम ले लिया, फिर वो मर गया। तो इस वाकये से अल्लाह क्या जाहिर करना चाह रहा है, कि जो कुछ तुम छुपे रात के अंधेरे में करो या दिन के उजाले में करो, जो कुछ तुम गुनाह छुपा कर करते हो, अल्लाह उसको इस तरह जाहिर करता है, और गाय की मोहब्बत उनके दिलों से निकालता है। बल्कि वो लोग डर रहे थे ना बनी इसराइल के, गए हम गाय को जुबा करें तो हम पर कुछ ना आफत ना आ जाए, अल्लाह वो हमारी गाय हमसे नाराज ना हो जाए। तो बल्कि वो नाराज होना तो दूर की बात, उससे अभी लड़ाई झगड़ा होने से बच गया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस गाय को कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि अल्लाह का ही सब इख्तियार है, बताना चाहा था। उससे वो जो मसला हो आ गया था, वो भी सॉल्व हो गया। और अल्लाह इसी तरह
ये वाकया बयान करके कदालिका युजी अल्लाहुल मौता, अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ख़यामत पर ईमान नहीं रखते, उनको दिखाना चाह रहा था कि तुम भी जिस तरह ये इंसान अब मरकर तुम्हारे आंखों के सामने जिंदा हुआ, क्योंकि बनी इसराइल को इसका अंदाजा नहीं था ना, वो आखिरत से उतना नहीं डरती थी जैसा डरना चाहिए, तो उनको ये भी दिखाना मकसद था अल्लाह का कि इस तरह अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता है। मर गया मगर अल्लाह के हुक्म से फिर वो जिंदा हुआ, फिर हम भी मरेंगे फिर अल्लाह के हुक्म से जिंदा होंगे, और अल्लाह अपनी निशानियां इस तरह दिखाता है क्यों, ताकि शायद के लअल्लकुम ताकिलून, शायद के तुम्हारे अंदर अक्ल आ जाए, तुम गौर और फिक्र करने लगो। इसलिए ये एक बात मालूम हुई, और दूसरा वल्लाह मुखरिजु मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है, मा कुंतुम तक्तुमून, जो कुछ तुम तुम्हारे दिलों में छुपाते हो। इससे एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के उम्मती पर यह फजल किया है, जो ख्यालात बुरे ख्यालात हमारे जहनों में आते हैं उसकी बिना पर हमें पकड़ नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शैतानी वसवसे आते हैं ना हमें, बहुत से मौकों पर गलत कामों के गलत तरीकों के वसवसे आते हैं, जब तक उसे खौल में या अमल में हम ना लाएं तब तक वो वसवसों का हमें गुनाह नहीं होगा। इसका मतलब सोचना नहीं बैठना है बल्कि अल्लाह से पना मांगना है बार बार, अगर ऐसे वसवसे आए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, मगर अगर हम जानबूझकर कोई गुनाह करें, चाहे वो दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर ही करें, मगर अल्लाह के सामने वो छुपावा नहीं है, अल्लाह उसको देख रहा है और अल्लाह उसको जाहिर करने पर भी खादिर है। जैसा कि वो कत्ल हुआ था छुपे अंधेरे में, मगर अल्लाह ने उसके खातिल का पता सबके सामने उजाले में दे दिया, और दे दिया जिससे उनके उनमें के बाज लोगों को तो अल्लाह की इस निशानी से बहुत नसीहत हासिल हुई, मगर बाज फिर भी इन तमाम वाकयात से जिनके दिल सख्त हो गए थे, पत्थर बन गए थे, उन्होंने कोई नसीहत हासिल नहीं की। तो अल्लाह ताला इस वाक़े से हमें भी ये पता चलता है कि हमें छुपे हो या खुले में हो, अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, और जैसा वाज़े हुक्म है उसी पर अमल करना चाहिए। मुतशाबिहात, जैसे सूरह आल इमरान में आगे आएगा, इस कुरान में बहुत सी आयतें मुहकमात हैं और चंद आयतें मुतशाबिहात हैं, जिसमें जिसके पढ़ने से थोड़ा बहुत शक आएगा, मगर वैसे आयात के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नूह अलैहि सलाम का वाकया ले लीजिए, उनकी कश्ती का जिक्र है, उसमें वो कश्ती कितनी लंबी थी, कितनी मीटर लंबी थी, कितनी गहरी थी, वो पूछना कुछ जरूरी है हमारे अमल का दखल है उसमें नहीं, बस कश्ती बनाई उसमें सवार हुए चले गए, बस ये सुनने से हमारी बात मुकम्मल हो जाती, मगर ज्यादा सवाल करने से हमारे लिए ये बनी इसराइल की तरह गाय को जुबह करने का मसला बन जाता, एक के बाद एक उसकी क्वालिटीज बताते गए, वैसी गाय को ढूंढना मुश्किल हो गया था उनपे, मगर बिला आखिरकार कहीं उन्हें वो गाय मिल गई एज इट इज, फिर उन्होंने उसको जुबह किया, वरना वो फिर से अल्लाह के किसी ना किसी अजाब में मुब्तला होते थे। तो और एक बात नाजिर इसमें वाजे हुई, देखिए आपने गौर किया होगा कि तसुर नाजरीन, जब उन्होंने पूछा गाय कैसी हो तो क्या कहा अल्लाह ताला ने कि वो ऐसी गाय हो जो देखने वालों को खुश कर दे। कहा है वो आयत नंबर, हाँ फाखियुल लौनुहा तसुर्रुन नाजिरीन 69 में है। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें, आखिरकार सब में बड़ी बात इसमें क्या है मालूम, अल्लाह ताला जब तमाम जन्नतियों को जन्नत के फैसले कर देगा, जहन्नमियों को जहन्नम के फैसले सुना देगा, तमाम हर हर चीज जो जो भी उसने वादा किया है वो पूरे देने के बाद आखिरी चीज जो इंसान को अता करेगा वो क्या है, अल्लाह का दीदार है ना। इन चीज को तमाम चीजों पे फौकियत दी अल्लाह ने, और जहन्नमियों की सब में बड़े क्या बोलना चाहिए, सब में बड़े महरूमी ये होगी कि वो अल्लाह की देखने से महरूम हो जाएंगे। जन्नती जन्नत में जाकर तमाम नेमतें देखने के बावजूद अल्लाह ताला उनको नजर आएगा, ये खुशकिस्मती होगी जन्नतियों की, मगर जहन्नमियों की
सब में बड़ी महरूमी ये होगी कि वो अजाब तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर वो आखिरकार अल्लाह के दीदार से महरूम होंगे। अल्लाह हम तमाम को इस महरूमी से बचाए, अल्लाह हमें अपना दीदार जरूर 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 कराए, हम तमाम को अल्लाह ताला जन्नत के आला से आला मुकाम में ले जाने के बाद अपने दीदार की जियारत कराए। अल्लाह हम सबको जामे कौसर से पानी पीना नसीब फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से, और इसके जो जो वाज़े अहकामात है उस पर अमल करने वाला बनाए, और इसकी मुतशाबिहात से बचते हुए हमें अपने आप को आखिरत की तैयारी करने वाला बनाए, और क़यामत के दिन हम सबको अपने आमाल में इजाफा करने के आमाल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।